का नाम है शार्पर और इसे 2023 में रिलीज किया गया है और शार्पर मूवी को IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.6 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी के शुरू में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है भोलू बछड़ा और वह अपने ही बुक स्टोर में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है और वह बुक स्टोर में लटकता खंजर नामक बुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे इस नाम की कोई बुक नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, इस नाम की कोई बुक हो तो मिले भी। तो तभी भोलू बछड़ा बुक ढूंढकर दे देता है और कहता है कि यह लटकता खंजर नहीं, यह रशियन बुक लेतुकता खंजर है। तो अब यह लड़की अपना नाम सेंड्रा बताती है और कहती है कि वह इस शहर में नहीं आई है और फिर दोनों हंस हंस के बातें करने लगते हैं। तो भोलू बछड़ा अखंड सिंगल था तो बेचारे सिंगल लोंडो का तो यही हाल है कि कोई लड़की हंस के क्या बात कर ले, उसे मुमताज मानकर ताजमहल बनवाने के लिए मिस्त्री को ऑर्डर भी दे देते हैं। तो भोलू बछड़ा भी सेंड्रा की हंसी को ग्रीन सिग्नल मानकर उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे साथ दूध पत्ती पीने चलोगी। तो सेंड्रा मना कर देती है तो भोलू बछड़ा कहता है कि लातोला बुक के पैसे दे, लेकिन इत्तेफाक से सेंड्रा का कार्ड वर्क नहीं करता तो वह कहती है कि मैं बुक के पैसे बाद में दे दूंगी। तो भोलू बछड़ा कह देता है कि ठीक है बाद में दे देना, लेकिन यहाँ भोलू बछड़े की जगह अगर हम व्यूअर्स होते तो हम तो गला पकड़ लेते। तो सेंड्रा चली जाती है और भोलू बछड़ा अपनी दुकान बंद करने लगता है कि तभी सेंड्रा वापस आती है और भोलू बछड़े को पैसे दे देती है और साथ में पूछती भी है कि दूध पत्ती पीने चलोगे। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं पिलवाने चाहिए थी क्या, और भोलू बछड़ा तो खुशी के बारे 64 के 64 दांत बाहर निकाल देता है। अब यह दोनों रेस्टोरेंट में दूध पत्ती पीते पीते बातें करने लगते हैं, जहां भोलू बछड़ा बताता है कि उसकी माँ गुजर जाने के बाद वह अपने डैड से अलग रहता है और एक बुक स्टोर चलाता है। और सेंड्रा भी अपने बारे में बताती है कि उसके माँ बाप गुजर चुके हैं और उसका एक भाई है, लेकिन वह बहुत बड़ा चर्सी है, मतलब माल फूंकता है। तो अब भोलू बछड़ा और सेंड्रा में नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब सेंड्रा भोलू बछड़े की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी तो भोलू बछड़ा इतना भी भोला नहीं होता। वह गर्लफ्रेंड बनते ही सेंड्रा को रूम पर लेकर जाता है और कोई भोलू बछड़ा हो या कोई मासूम लड़का, बिस्तर पर कोई भोला नहीं होता, वहाँ सबको सब पता होता है कि क्या कैसे करना है। तो भोलू बछड़ा अपना लोलू तगड़ा कर लेता है और फिर क्या था, फिर तो भोलू बछड़ा बिस्तर पर सेंड्रा का सैंडविच सा बना देता है, मतलब कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे। और व्हाइट सॉस फेंकने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार वाले वादे भी करते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगे हैं। तो कुछ टाइम बाद भोलू बछड़ा देखता है कि सेंड्रा दरवाजे पर किसी से लड़ रही होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। तो यहाँ भोलू बछड़ा और व्यूअर्स को लगता है कि शायद सेंड्रा अपना ढेंडरा किसी और से बजवा रही दिखे, लेकिन नहीं, सेंड्रा भोलू बछड़े से बताती है कि वह उसका भाई था और उसने ड्रग्स के चक्कर में काफी लोगों से उधार ले रखा है और वो पैसे के लिए यहाँ आया था। तो अब कुछ दिनों बाद भोलू बछड़ा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ सेंड्रा भी होती है। और अब भोलू बछड़ा और सेंड्रा एक दूसरे के प्यार में बुरी तरीके से डूब चुके थे और रोज रात को 9 बजे से 12:15 बजे तक खूब पवित्र बातें करते थे। तो अब एक दिन सेंड्रा बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह भोलू बछड़े का कॉल नहीं उठाती। तो सेंड्रा दुखी हो और भोलू बछड़ा दुखी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भोलू बछड़ा सेंड्रा से परेशानी की वजह पूछता है तो सेंड्रा बताती है कि उसका भाई गुंडों के बीच में फंस चुका है और उसने अगर पैसे नहीं दिए तो वे गुंडे उसे मार डालेंगे। तो भोलू बछड़ा कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो सेंड्रा कहती है कि $3.5 लाख तुम कहाँ से दोगे। तो भोलू बछड़ा तो प्यार में अंधा हो चुका था तो वह कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सेंड्रा पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो भोलू बछड़ा कहता है कि मेरे पापा जी के पास बहुत सारा पैसा है और मैं वहीं से तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो सेंड्रा पैसे लेने से इनकार करती है। तो भोलू बछड़ा कहता है कि मेरे पापा जी ने कई काले काम करके पैसे कमाए हैं, तुम टेंशन मत लो। तो अब भोलू बछड़ा सेंड्रा को $3.5 लाख लाकर दे देता है और फिर क्या था, फिर तो $3.5 लाख लेकर सेंड्रा एक्सयूवी महिंद्रा से भी तेज फरार हो जाती है। और एक महीना बीत जाता है लेकिन सेंड्रा का कुछ पता नहीं चलता और भोलू बछड़ा बेचारा बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो यहाँ हम व्यूअर्स से रुका नहीं जाता और हम एक कविता पढ़ते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, आइंस्टाइन के दिमाग को भी जंग लगा दे, वो है औरत की योनी। बेचारे भोले बछड़े को लूट के ले गई, हम व्यूअर्स को आ रहा है गुस्सा, अगर सेंड्रा हमें कहीं भी मिल गई बच्चेदानी में भर देंगे गुस्सा। अब कविता के बाद हमें सेंड्रा की तरफ की कहानी दिखाई जाती है, मतलब स्टोरी कुछ टाइम पहले चली जाती है, जहाँ सेंड्रा एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर एक मोटी गांड की पुलिस वाली भी होती है। असल में सेंड्रा एक बहुत बड़ी चर्सी थी और उसे ड्रग्स की एडिक्शन थी और इसी वजह से मोटी गांड वाली सेंड्रा की पैरोल ऑफिसर होती है। तो यहाँ सेंड्रा इस पुलिस वाली को रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी गांड की पुलिस वाली समझ जाती है कि सेंड्रा मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है, तो वह सेंड्रा को अरेस्ट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम होता है झुमरू झनखा और वह पुलिस वाली को कुछ पैसे देकर सेंड्रा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाली को पैसे कम लगते हैं तो वह झुमरू झनखे के हाथ में बंदी रोलेक्स मांगती है। तो झुमरू झनखा कहता है कि यह तो बहुत महंगी है। तो पुलिस वाली कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये रोलेक्स दे दो तो मैं सेंड्रा पर लगे सारे चार्जेस हटा दूंगी। तो झुमरू झनखा रोलेक्स दे देता है और पुलिस वाली चली जाती है, लेकिन असल में वह रोलेक्स नकली होती है, इसका मतलब मोटी गांड वाली का दिमाग भी मोटा था। तो अब झुमरू झनखा सेंड्रा से कहता है कि अगर मेरे साथ काम करना चाहती है तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो इस पर सेंड्रा कहती है ठीक है, लेकिन अगर तूने मेरी
अच्छी अच्छी हाथ लगाया तो उसके लिए मेरे पास चक्कू है। तो इस पर झुमरू झंगा कहता है कि चक्कू तो मेरे पास भी है जिसे औजार कहते हैं, लेकिन फिकर मत करो मैं अपना चक्कू कंट्रोल में रखूंगा। और फिर झुमरू झंगा सैंडर को अपने घर लेकर आ जाता है, जहां पर वह उसे एक पेपर देता है और उसे पूरा याद करने के लिए बोलता है, जिसमें सैंडर की नई आइडेंटिटी के बारे में होता है। और फिर सैंडर से पूछता है कि क्या वह अब भी ड्रग्स लेती है, तो उस पर सैंडर कहती है कि कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो तुम, ड्रग्स को तो छुए भी मुझे कई साल हो गए। लेकिन जब कुछ टाइम बाद झुमरू झंगा घर वापस आता है तो सैंडर ड्रग्स के नशे में टून मिलती है। तो इस बात पर झुमरू झंगा सैंडर को घर से बाहर फेंक कर मारता है। तो अब सैंडर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती है जो होता है रोना। तो झुमरू झंगा रोती हुई सैंडर को घर के अंदर बुला लेता है और कहता है कि आज के बाद तुम ड्रग्स नहीं लोगी, तो सैंडर वादा करती है। और फिर झुमरू झंगा सैंडर को सारी दाव भट्टी सिखाता है, मतलब वो सारे पैंतरे जिससे किसी को लूटा जा सके। और फिर सैंडर उस पेपर को याद कर लेती है जिसमें उसकी नई आइडेंटिटी और एक झूठी कहानी होती है जो कि सैंडर ने भोलू बछड़े को बताई थी। तो अब सैंडर काफी कुछ सीख जाती है। तो झुमरू झंगा उसे एक आलिशान होटल में लेकर जाता है और फिर सैंडर को टेस्ट देने के लिए बोलता है। वह सैंडर से कहता है कि वहाँ एक अमीर आदमी बैठा है, तुम अपनी चालबाजी से उसके कमरे तक चली जाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम एक नंबर की छिनाल बन चुकी हो। तो सैंडर उस आदमी के पास आकर बैठ जाती है और उस आदमी से कहती है कि क्या मैं बादशाह सलामत के लिए एक ड्रिंक खरीद सकती हूँ। तो यह बादशाह सलामत एक माइक्रो सेकंड से भी पहले समझ जाते हैं कि और फिर क्या था, फिर तो यह आदमी सैंडर को लेकर सीधे अपने रूम में पहुंच जाता है और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद चुम्मा चाटी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी रूम में झुमरू झंगा सैंडर का बॉयफ्रेंड बनकर आ जाता है और सैंडर पर नकली वाला चिल्लाने लगता है कि यहाँ क्या कर रही तू, समोसे तूने मेरे पैसे का खाया और क्रीम रोल इसका लेगी, वारी तरफदारी। तो फिर वह आदमी सैंडर से पूछने लगता है कि यह कौन है। तो सैंडर उससे बताती है कि यह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और आज भी मेरी लेने को फिर रहा, तुम बस 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मैं इसे समझाकर वापस भेज दूंगी और फिर हम दोनों गुल्ली डंडा खेल लेंगे। तो यह आदमी बाहर चला जाता है और फिर क्या था, फिर तो सैंडरा और झुमरू झंगा इस आदमी के सारे पैसे चुरा लेते हैं। और यहाँ सैंडरा को झुमरू झंगा का काम और उसका दिमाग बहुत अच्छा लगता है और उससे इम्प्रेस होकर उसे वहीं लिपट जाती है। और फिर यह दोनों दबा दबा कर संभोग करते हैं और खूब मजे लेते हैं और फिर पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। तो यहाँ हम बस उम्मीद करते हैं कि बाहर एक मजबूत संभोग की प्रतीक्षा कर रहे शाही बादशाह सलामत जरूर एक कविता पढ़ रहे होंगे कि संभोग वाला मजनू बनूंगा मैं और उसको बना लूंगा लैला, और जार से निकलने वाली सफेद धूल से उसका दामन कर दूंगा मैला, मोटा पतला लंबा छोटा कर लेता हूँ औजार, अगर लड़कियां करती हैं खिटपिट औजार ने मेरे इतने रंग बदले 7 जन्म में बिना बदल पाएगा गिरगिट, बेचारे बादशाह सलामत। तो अब कहानी झुमरू झंगा की तरफ से दिखाई जाती है और स्टोरी फिर से कुछ टाइम पहले चली जाती है, जहां झुमरू झंगा एक महंगी कार में आता है और वह एक शानदार होटल के अंदर जाता है जहां पर काफी अमीर लोगों की पार्टी चल रही होती है। और फिर झुमरू झंगा अपनी मोम मैडी और उसके नए पति रिचर्ड से मिलता है, रिचर्ड बहुत रिच होता है और यह पार्टी उसी ने रखी होती है, लेकिन झुमरू झंगा अपने सोतेले बाप को जरा भी पसंद नहीं करता और उसे बुड्ढा बुलाता है। तो तुरंत मैडी उसे एक अलग कमरे में लेकर जाती है और उसे समझाती है कि बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, ये बुड्ढा बुड्ढा क्या लगा रखा है, वो बुड्ढा मेरा पति है। और झुमरू झंगे से पूछती है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो झुमरू झंगा बताता है कि वो उसे छोड़कर चली गई। तो झुमरू झंगे की मोम मैडी कहती है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया दिखा रहा, और कहती है कि शायद तुम ड्रग्स भी लेने लगे हो। तो झुमरू झंगा कहता है कि नहीं मैं नहीं लेता, चाहे तो मेरा पेशाब का टेस्ट करवा लो, और तुरंत एक जग से मैगू पेशाब करके भी दे देता है। तो यह देख मैडी रोने लगती है, तो झुमरू झंगा उसे गले लगाकर चुप कराता है और फिर वहां से चला जाता है। और यह सब मैडी का पति रिचर्ड भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। अब रिचर्ड और मैडी घर पर आकर बात कर रहे होते हैं, जहां पर मैडी रिचर्ड से बताती है कि झुमरू झंगा एक टैलेंटेड लड़का है, बस जब से उसके पिता गुजरे हैं तब से वो ऐसा हो गया है। तो यहाँ रिचर्ड भी बताता है कि उसके पास भी एक बेटा है और वह अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी बेटे के नाम करना चाहता था, लेकिन रिचर्ड उसे इस काबिल नहीं मानता। और यह सब बाहर खड़ा होकर झुमरू झंगा सुन रहा होता है और फिर वह अंदर आकर अपने सोतेले बाप से कल के लिए माफी मांगता है कि अब्बा मुझे माफ कर दो, तो रिचर्ड उसे माफ कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रिचर्ड और मैडी लिफ्ट में लगे पड़े थे, तो वह देखते हैं कि झुमरू झंगे को ड्रग्स के इल्जाम में एक पुलिस वाला अरेस्ट करके ले जा रहा है। तो यहाँ रिचर्ड इस पुलिस वाले को रिश्वत देकर झुमरू झंगे को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन तभी मैडी रिचर्ड को रोक देती है और कहती है कि यह कोई पुलिस वाला नहीं है, यह झुमरू झंगे का ही दोस्त है, यह सब इसने तुमसे पैसे लेने के लिए किया है। तो यहाँ मैडी झुमरू झंगे को एक करारा सा थप्पड़ मारती है कि सुअर तू नहीं सुधरने का बिल्कुल भी, और वहां से चली जाती है। और फिर रिचर्ड भी कहता है कि चिंदी चोर चोरी करनी भी थी तो बड़ी सी करता गंडवा कहीं का, और वह भी वहां से चला जाता है। और फिर झुमरू झंगा भी घर से चला जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मैडी झुमरू झंगे से रूम में मिलने आती है और वह उससे कल के थप्पड़ के लिए माफी भी मांगती है, लेकिन अचानक से पता नहीं मैडी को क्या होता है, वह झुमरू झंगे के दोनों हाथों से अपने दुद्दू मसलवाने लगती है और उसे बुरी तरीके से चूमने लगती है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि अरे मोरी मैया ये क्या सीन है। तो यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि मैडी और झुमरू झंगा कोई माँ बेटा नहीं है, वह तो लवर है, और इन सालों ने मेरे से थंबनेल भी पता नहीं उल्टा सीधा बनवा दिया। असल में इन दोनों ने यह प्लान रिचर्ड से पैसे लूटने के लिए बनाया है और इन दोनों का प्लान बहुत अच्छा जा रहा था। और फिर यह यही सोफे पर पड़े पड़े दबम दाब संभोग करते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि कुछ टाइम बाद रिचर्ड झुमरू झंगे को अपने ऑफिस में बुलाता है और वहाँ भोलू
बछड़ा भी होता है, जिसका मतलब भोलू बछड़ा ही रिचर्ड का असली बेटा होता है। लेकिन यहाँ रिचर्ड अपने सगे बेटे भोलू बछड़े से अच्छे से बात नहीं करता, तो भोलू बछड़ा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो रिचर्ड झुंडू जनके से बताता है कि भोलू बछड़ा उसका बेटा है और वह मेरा बड़ा बिजनेस संभालने के लायक नहीं है, उसने मुझसे सिर्फ एक बुक स्टोर मांगा था तो मैंने उसे खुलवा कर दे दिया, अब मैं उसे इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देने वाला क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तो अब रिचर्ड झुंडू जनके से कहता है कि वह उसे महीने के $60,000 देगा, लेकिन शर्त है वो अपनी माँ से नहीं मिलेगा और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएगा। तो झुंडू जनके का 1 साल के पैसे एक साथ मांगता है और हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ने का वादा करता है। तो रिचर्ड झुंडू जनके को पैसे दे देता है और वह पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि झुंडू जनके का मैडी के साथ रूम में डांस कर रहा होता है और मैडी ने गुलाबी रंग का पजामा पहना होता है, और फिर वहाँ वही फेक काला पुलिस वाला आता है और अपने हिस्से के पैसे मांगता है क्योंकि वह भी इनके प्लान में शामिल था, लेकिन झुंडू जनके का उसे सिर्फ $10,000 ही देता है और कहता है कि तुमने इसी लायक काम किया था। तो यह बात काले बच्चे को पसंद नहीं आती और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो अब झुंडू जनके का मैडी से कहता है कि अब तुम जल्दी से उस पुरानी बिल्डिंग रिचर्ड से पीछे छुड़वा लो, अब हमारे पास बहुत पैसे आ गए हैं। तो मैडी कहती है ठीक है, मैं कल जाऊंगी और उससे कह दूंगी कि मेरे नाना का लुंडा हुआ और फिर मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। और फिर यह दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से चूमने लगते हैं। अब अगले दिन मैडी झुंडू जनके को फोन करती है और कहती है कि यार शायद मुझे इस बुड्ढे की मुरझाई हुई डाल पसंद आ गई है और मुझे इससे मोहब्बत होगी दिख है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, वो सारे पैसे तुम ही रख लो और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। और तभी झुंडू जनके के रूम के दरवाजे पर पुलिस होती है जो कि मैडी ने ही भिजवाई होती है, मतलब मैडी ने झुंडू जनके को भी डबल क्रॉस किया था। तो झुंडू जनका जल्दी से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। तो यहाँ हमें वर्ष को फिर से एक चुल मचती है और हम फिर से एक कविता प्रस्तुत करते हैं। हमें तो लग रहा था मैडी मौत का कुआ देगी, पर दिखा दिया उसने चुत्तड़। अभी परसों ही तो झुंडू के हाथों में दे रखे थे अपने सीने के दोनों बेल पत्थर। ये संभोग भी दुनिया की अलग ही चीज है, सबकी आंखों पर बांध देता है पट्टी। मौत के कुएं की क्रीम भी मीठी लगती है लेकिन असल में होती है वो खट्टी। तो अब झुंडू जनका तो भाग गया था और कहानी अब शुरू वाली कहानी से जुड़ जाती है, मतलब इस सीन के बाद ही झुंडू जनके ने सैंड्रा को भेजकर भोलू बछड़े से पैसे लुटवाए थे। तो अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिचर्ड की मौत हो चुकी है और मैडी बुरी तरीके से रो रही है और अपनी चूड़ियां तोड़ रही है कि हाय मैं तो बर्बाद हो गई वगैरह वगैरह। तो अब रिचर्ड का वकील मैडी और भोले बछड़े को अलग रूम में बुलाता है और बताता है कि रिचर्ड ने अपनी सारी दौलत मैडी के नाम कर दी है और उसका ट्रस्ट मैडी और भोले बछड़े दोनों के नाम किया है, जिसमें भोला बछड़ा फर्स्ट ओनर होता है और मैडी सेकंड ओनर, लेकिन अपनी मेन दौलत मैडी के नाम करके गया है बुड्ढी गांड। तो यहाँ हम वर्ष रिचर्ड को बद्दुआ देते हैं कि बुड्ढे नरक में तुझे पत्थर की तरह उठेगा देख लो चाहे। तो यहाँ भोलू बछड़ा मन ही मन सोचता है कि ट्रस्ट भी मेरे नाम को करता वो भी इसके नाम कर देता। अब यह सुनकर मैडी भोले बछड़े की तरफ देखकर कहती है कि हाय मेरे चांद तू फिकर मत कर, तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, टेंशन को ले रहा, और कहती है कि वैसे तेरे पापा गलत करके गए, ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम होनी चाहिए थी। मैडी पूरे $9 बिलियन की मालिक बन चुकी थी। तो भोले बछड़े को यह बात पसंद नहीं आती और वह यहाँ से चला जाता है और वकील भी चला जाता है। तो इन दोनों के जाते ही मैडी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो यही तो चाहती थी, उसे सब कुछ मिल गया था। और फिर उसके बहुत चैन पड़ती है और फिर क्या था, फिर तो मैडी दौलत से मजे उड़ाना चालू कर देती है और पीरियड होने पर पैड भी सोने का लगाती है। अब कुछ टाइम बाद मैडी के घर पर कुछ लोग आते हैं जो कि अमीर लोगों के मसले सीक्रेटली सुलझा देते हैं। तो मैडी उनके आने की वजह पूछती है तो भोलू बछड़ा बताता है कि इन्हें मैं लेकर आया हूँ, असल में मुझे कुछ दिनों पहले एक लड़की ने लूट लिया था, ये सब उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैडी पूछती है कि यह लोग उसे ढूंढ भी लेंगे, मुझे तो अनाड़ी से लग रहे। तो इस पर वह लोग तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि जी कैसी बात कर रही हो तुम, हम सलवार में हाथ देकर कबूतर खींच लिया मिनट से पहले, हम अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। और यह लोग बताते हैं कि उस लड़की ने यह काम अकेले नहीं किया है, उसके साथ कोई और भी है। तो यह सुनते ही मैडी समझ जाती है कि वह झुंडू जनके ही है। तो वह सोचती है कि अगर यह उस लड़की तक पहुंच गए तो झुंडू जनके को भी ढूंढ लेंगे और फिर वह मेरी सारी पोल खोल सकता है। तो वह भोलू बछड़े को अलग से समझाती है कि वह उस लड़की को भूल जाए, क्या रखा इन बातों में, मैं तुम्हें एक अलग फ्लैट खरीद कर देती हूँ। लेकिन भोलू बछड़ा नहीं मानता, वह कहता कि मैं तो ढूंढूंगा जरूर। तो कुछ टाइम बाद वह लोग सैंड्रा को ढूंढ लेते हैं और मैडी के ही घर पर लेकर आ जाते हैं। तो भोलू बछड़ा सैंड्रा से बात करता है और फिर बाहर आकर बताता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, यह काम उससे एक आदमी ने करवाया था और फिर वह आदमी सैंड्रा से सारे पैसे लेकर भाग गया और उस आदमी का कनेक्शन मैडी से है। तो भोलू बछड़ा सैंड्रा को घर में ही रोकने के लिए बोलता है लेकिन मैडी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन भोलू बछड़ा नहीं मानता। तो मैडी खुद ही सैंड्रा से बात करने पहुंच जाती है और सैंड्रा से जाकर कहती है कि मैं भोलू बछड़े की स्टेप मॉम हूं। तो यहां सैंड्रा कहती है कि भूरी मदर मैं तेरे बारे में सब जानूं, तेरे यार झुंडू झनके ने मुझे सब बता दिया था और मैं ऐसा भोले बछड़े को बता दूंगी। तो यह मैडी कहती है कि चुप हो जा बस, वो बता अपनी तेरी कीमत क्या है। तो सैंड्रा कहती है कि मुझे तेरा काला पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार झुंडू झनके से मिलवा दे, मुझे उससे मिलना है और फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो यह मैडी कहती है कि मैं तो खुद उसकी गांड पे नोच चुकी हूँ, मेरे कहने से तो सारे यार आओ, और कहती है मैं कोशिश करूंगी। तो अब मैडी रूम से बाहर आती है और भोलू बछड़े से कहती है कि ठीक है
सैंड्रा यहाँ रह सकती है। तो मैडी झुमरू जनके को मैसेज करती है और उससे मीटिंग करने को बोलती है। और फिर अगले दिन सैंड्रा को लेकर झुमरू जनके के पास आ जाती है। तो यहाँ सैंड्रा झुमरू जनके पर बहुत ज्यादा भड़कती है क्योंकि वह उसे यूं ही छोड़कर चला गया था। तो झुमरू जनका कहता है कि मेरी काली शकरकंदी, मेरा तो यही काम है। तो तभी वहाँ दो कार आती है जिसमें वही लोगों के साथ भोलू बछड़ा होता है। तो यहाँ लोग कहते हैं कि तुम सबने मिलकर रिचर्ड को बेवकूफ बनाया है, यह सारी प्रॉपर्टी भोलू बछड़े की है। तो यहाँ मैडी कहती है कि यह सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम है और मैं किसी को अपनी कच्ची के अंदर का पेड़ भी नहीं देने वाली, भूल में मत रही हो सारे के सारे। तो यहाँ भोलू बछड़े को मैडी की बात पर गुस्सा जाता है और खास करके पेड़ वाली बात पर। तो वह इन लोगों से गन लेकर सेंटर पर तान देता है लेकिन वह उसे मार नहीं पाता क्योंकि वह उससे प्यार करता था। और फिर वह गन मैडी की तरफ घुमा देता है और उसे मारने के लिए जाता है लेकिन तभी सेंटर गन में हाथ मार देती है। तो तुरंत गन मैडी उठा लेती है और भोलू बछड़े पर तान देती है। तो तभी भोलू बछड़ा मैडी की तरफ दौड़ता है कि तभी गोली चल जाती है और मौके पर ही भोलू बछड़े की मौत हो जाती है। तो यहाँ भोलू बछड़े के साथ आए लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं लेकिन यहाँ मैडी उनसे कहती है कि वह सारे पैसे रिचर्ड वाले ट्रस्ट में करवा देगी, बस तुम पुलिस को फोन मत करो क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती। और वह अपने वकील को फोन करके सारी दौलत ट्रस्ट के नाम करवा देती है। और फिर मैडी झुमरू झनका और सेंटर तीनों प्लेन से भागने लगते हैं। तो यहाँ झुमरू झनका मैडी से कहता है कि तुम्हारी तो सारी दौलत चली गई। तो मैडी कहती है कि ऐसे कैसे चली गई, जिस ट्रस्ट में मैंने पैसे डाले हैं उसका फर्स्ट ओनर भोलू बछड़ा है और सेकंड ओनर मैं हूँ और भोलू बछड़ा तो मर चुका है तो मालिक तो मैं ही हुई ना लवड़ू मल। तो यहाँ सेंटर दुखी होकर कहती है कि भोलू बछड़ा मर चुका है तो और तुम अब भी पैसों की बातें कर रही हो। तो वह वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। तो फिर मैडी झुमरू झनका से कहती है कि इस काली शकरकंदी को काफी कुछ पता चल चुका है, इसको ठिकाने लगा फटाफट। तो झुमरू झनका कहता है कि ठीक है। तो फिर मैडी अपनी शर्ट से भोलू बछड़े का खून साफ करने लगती है तो वह बड़ी आसानी से छूट जाता है। तो यहाँ मैडी तुरंत समझ जाती है कि यह खून नहीं है, इसका मतलब भोलू बछड़ा जिंदा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैडी तुरंत जाकर प्लेन के पकड़ने का दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ सेंड्रा नहीं होती, मतलब सेंड्रा भी भोलू बछड़े के साथ मिली हुई थी। और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सेंड्रा ने शुरू में ही भोलू बछड़े को सब कुछ बता दिया था कि मैडी और झुमरू झनका उसे मिलकर लूटना चाहते हैं क्योंकि वह भी उससे प्यार करने लगी थी। और फिर भोलू बछड़े और सेंड्रा ने नकली लोगों की टीम बनाई जिसमें वह काला पुलिस वाला भी था जिसको झुमरू झनके ने कम पैसे दिए थे। और इन सब ने भोलू बछड़े का मर्डर सीन पहले से ही प्लान किया था और इन्होंने गन चलाने की प्रैक्टिस भी काफी बार की थी जो कि एक नकली गन थी। तो भोलू बछड़ा और सेंड्रा सभी एक्टर्स को उनकी फीस दे देते हैं और भोलू बछड़े को वह सारे पैसे मिल जाते हैं जिनका वो हकदार था। और फिर लास्ट में सेंड्रा भोलू बछड़े से पूछती है कि मेरे साथ दूध पत्ती पीने चलोगे, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। और आज हम व्यूअर्स एक कविता के जरिए खुद से सवाल करते हैं और दुनिया को जवाब भी देते हैं कि क्यों गंदी कविताएं लिखते हैं हम, क्या आता है हमको मजा, उन पवित्र पन्नों पर गालियां लिखकर क्यों देते हैं उनको सजा। हम भी पहन लेते शरीफों का चोला और जला लेते शराफत की चिलम, हमारी टांगों के बीच में अगर न होती ये 6 इंच की कलम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।